तो आपने जो सुझाव दिए हैं ये बहुत अच्छे सुझाव है और निश्चित रूप से मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से इन सुझावों को ठीक ढंग से कारगर रूप से इसको हम लोग चरितार्थ में लाए इस प्रकार का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। मैं आज के इस मौके पर अधिक लंबा समय आपका नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि ये बैठक यहाँ पर हो रही है और मेरा विश्वास है एक ऐसी बेला में ये बैठक हो रही है जब हम एक संक्रमण की अवस्था से गुजर रहे हैं लेकिन विजय की ओर जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में होने वाली ये बैठक इस प्रकार की योजनाओं को तैयार करेगी, इस प्रकार के विचार को तैयार करेगी जो आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होंगे और जब उन विचारों की चर्चा होगी तो सब लोग ये कहेंगे कि ये जो सारी योजनाएं हैं ये तो महाराष्ट्र में तैयार हुई थी, ये तो ब्राह्मो भागी प्रबोधिनी ने तैयार हुई थी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी पूज्य संतों का चरण स्पर्श करते हुए सभी का आशीर्वाद यहाँ पर लेता हूँ और आपने इस बैठक में सम्मिलित होने का मौका मुझे दिया। मैं तो कल ही आना चाहता था लेकिन कल दो बहुत अच्छे कार्यक्रम हम लोगों ने रखे थे और डेढ़ दो महीने पहले हम लोगों ने उसका सृजन किया था जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सुपुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको धर्मवीर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलने से मना किया तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकाली, जीभ काटी, उनके टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। तो उनकी जो बलिदान स्थली है और जहां उनकी समाधि है, ऐसे दोनों जगह पर हम लोगों ने बहुत भव्य इस प्रकार का की स्थली निर्माण करने का एक निर्णय लिया। कल उसका भूमि पूजन था और उसके बाद दूसरा भूमि पूजन क्रांतिवीर लहूजी वस्ताद साळवे, लहूजी वस्ताद इनको आद्य क्रांति गुरु कहा जाता है क्योंकि लहूजी वस्ताद साळवे एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जिनके पिताजी ये अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते मरे, उनके दादाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से उनका पूरा परिवार ये हमारे हिंदवी स्वराज्य के निर्माण में लगा रहा और लहूजी वस्ताद साळवे इन्होंने महाराष्ट्र में पहली तालीम शुरू की जिस तालीम में उन्होंने ये निर्णय किया कि अंग्रेजों से अगर लड़ना है तो हमें शस्त्र फिर एक बार उठाने होंगे और हमारे युवाओं को शस्त्र सिखाने होंगे। और जिस समय यह तालीम शुरू हुई तो जिन्हें हम आद्य क्रांतिकारक कहते हैं वासुदेव बळवंत फड़के, वासुदेव बळवंत फड़के जी ने भी वहीं से तालीम की, हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी वहीं से तालीम की और महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने भी वहीं से तालीम की। तो इन तीनों के एक प्रकार से गुरु के रूप में लहूजी वस्ताद साळवे को माना जाता है। तो उनके भी समाधि का कल एक प्रकार से जीर्णोद्धार और वहां पर एक भव्य इस प्रकार का स्मारक तैयार करने का कार्यक्रम था, इसलिए कल हम लोग यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूँ। लेकिन आज यहाँ पर आकर आप सभी का आशीर्वाद पाने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।